असी पंजाब दे होम मिनिस्टर सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी कोलों समा मंगया सी कि असी संयुक्त अकाली दल दे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर तुहानू मिल के एक याद पत्र देना चाहुंदे आ ते उन्हां सानू 4 तारीख दित्ती सी जिहड़े लखीमपुर खेड़ी हालात वापरे उहदे करके उन्हां दी ड्यूटी उत्थे लग गई। जद असी पहुंचे उन्हां दी कोठी ते उन्हां नाल फोन ते संपर्क होया ते उन्हें कहा कि मैं अपने विशेष सकत्र भेज रहा तुसी अपना याद पत्र उन्होंने दे दिओ। सो असी याद पत्र अज उन्होंने दे आए हाँ। साढ़े याद पत्र का जो मुख मकसद सी एक तो यह कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां 2011 दीआं होईआं ने जिहड़ीआं 5 साल बाद होणीआं चाहीदीआं ने अजे तक होईआं नहीं। सरकार वल्लों चीफ गुरद्वारा इलैक्शन कमिश्नर दी जिहड़ी नियुक्ति हो चुकी आ उहनूं स्टाफ दिता जाए लोड़ीदे प्रबंध किए जाए ता कि जिहड़ीआं छेती तो छेती चोणां हो जाए। दूसरा साडा जिहड़ा मसला सी ओह सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 328 सरूप जिहड़े लापता ने ते अजे तक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उहदे लई कोई कार्रवाई नहीं की। जदकि यह रिपोर्ट जिहड़ी आ इह सरदार ईश्वर सिंह दी जिहड़ी बनाई सी श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने उन्हें अपनी रिपोर्ट 23/8/2020 नूं प्रेस पेश कर दित्ती सी ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी इकत्रता मिति 27/8/2020 नूं मता नंबर 466 राही दोषियों खिलाफ़ FIR दर्ज कराने की सिफारिश की सी। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के आर्डर नंबर 1305 मिति 27/8/2020 राही FIR दर्ज कराने का हुक्म जारी होया सी पर सियासी कारण करके अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। असी यह भी सिफारिश मंग सी साड़ी कि जो हुण हाई कोर्ट ने यह हुक्म कर दिता कि 9 नवंबर तक FIR दर्ज करके कमिश्नर अमृतसर जिहड़ा उह रिपोर्ट करे जो उन्हें कार्रवाई की आ ते असी ये पंजाब सरकार नूं इहदे राहीं मंग कीती इस याद पत्र राहीं कि इहदे तेजी लिया के इहदी जांच करके जिहड़े सही दोषी ने उन्हां नूं सज़ा दित्ती जाए ता कि जिहड़े सिख हिरदे नूं शांत हो सकन क्योंकि मसला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप जो गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबियां होईआं ने उन्हां नूं किवें छुपाया जा रहा ये तुहाडे सारयां दे सामने। अज जिहड़े मैंबर साहिबान मेरे को इत्थे इकट्ठे होए ने ओह इस तों पहलां एक मेमोरेंडम दे के आए ने अपने प्रिंसीपल सैकटरी साहिबान राजपाल और किहड़ा सीगा ओह जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे 328 सूप जो गुम होए ने अजे तक उन्हें ते कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं नहीं कहता कि श्रोमणी अकाली दल वाले सिख ने हर पार्टी सिख बैठे ने सिखां दी प्रतिनिधता करते ने पंजाब तो लैके कैनेडा तक यूरोप तक कोई संसार च ऐसा देश नहीं जिथे सिख नहीं बैठे और उन्हें सारे ने मंग की सी किसी एक पार्टी ने नहीं कि गुरु की गल है सानू इहदा जो सच है वह सामने लिंदा जा सके। इहदी FIR भी लॉज कराई गई लेकिन FIR ते कोई असर नहीं होया कोई उत्ते एक्शन नहीं होया। पहली सरकार बारे तो बहुता कुछ कहना नहीं चाहता वो सरकार ने बेअदबियां कराईया तो बेअदबी करन वालियां नूं इस सरकार ने पुलिस बनाई दिती है साडी इह मंग सी ते अज 11 साल हो चुके ने श्रोमणी कमेटी की जो इलैक्शन आ वह 5 साल बाद होती है 11 साल बीत जाने के बाद भी वह इलैक्शन का कितने नाम निशान नहीं। हजारा लखा एप्लीकेशन दे चुके हैं लखा ही तादाद दस्तखत करके दे चुके हैं इलैक्शन कमीशन को पहुँच चुके हैं। पहला तो गुरद्वारा जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया जे बनाया गया सिरों साहब के चेयरमैन नीचे उन्हों स्टाफ नहीं दिता गया उन्हों दफ्तर नहीं दिता गया जान बुझ के डिले की गई इस करके ये भी मंग अहम सी अजे की गई है। कुछ मैं आपके बारे कहना चाहना तो इजाजत हो मैं कह सकता कि दास नू
ये जो जयदर साहब सामने बैठे ने तुहाडे इन्हां दी कृपा नाल पार्टी दे सरप्रस्त सर रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा पार्टी दे प्रधान सर सुखदेव सिंह ढींसा ने मैनू सकत्तर जनरल दी ड्यूटी बख्शी है, सेवा बख्शी है। मैं आस करदा कि मैं उन्हां दी किस्मती ते पूरा उतर सकूँ। इज देयर एनी क्वेश्चन?